किसान दिल्ली धरने पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके साथ कल भी समाजवादी पार्टी थी, आज भी समाजवादी और आगे भी है। किसानों की मांग जाएगा 100% हमारे साथ। इसके अलावा विधायक जी आपसे मालूम करना चाहेंगे कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलेगा, पक्का है क्या? ये तो राजकीय देखी देंगे ना। मीडिया पर कंबल डालने के बाद प्रधानों, बीडीसी और जिला पंचायत मेंबरों पर ना सिर्फ कंबल डाला बल्कि लाल टोपी भी पहना दी। यूपी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के चलते राजनीतिक उधेड़बुन शुरू हो गई है। चुनाव में उतरने की तैयारी के तहत सभी अपने अपने तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी कड़ी में बरेली कांवर सीट से विधायक रह चुके सुल्तान बेग ने भी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। सुल्तान बेग ने इस बार भाजपाई हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है। सुल्तान बेग ने दो दिन पहले भाजपाई फार्मूले को ही अपनाते हुए सबसे पहले मीडिया का मुंह बंद करने के लिए स्थानीय मीडिया कर्मियों पर कंबल डाला। इसी कड़ी में सुल्तान बेग ने आज कांवर विधानसभा के सभी ग्राम प्रधानों, बीडीसी और जिला पंचायत मेंबरों को लाल टोपी पहना दी। प्रधान जो है हमारे, वो टोटल है 131 तीनों इलाकों के और विधानसभा के 131 में से 112 पंचायत सारे के सारे। प्रदेश सरकार के अच्छे दिनों को किन शब्दों में परिभाषित करेंगे? देखिए, प्रदेश सरकार ने हमेशा गांव में किसान, नौजवान, मुसलमान। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी को यूपी की सत्ता तक पहुंचाने वाले आजम खां और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का बीज बोने वाले फारूक कुरैशी का हश्र देखने के बाद भी सुल्तान बेग आज भी समाजवादी पार्टी का पट्टा पहने हुए हैं। ये राजेंद्र भाई, इधर तो आ जाओ, इधर एक लड़का पीछे लोग बैठे हैं, उनको दिक्कत हो रही है।